आइए दोस्तों, आपके अपने चैनल आसान रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पराठा खाना किसे नहीं पसंद है, वो भी अलग अलग तरह के। तो आज मैं आप सभी के लिए सोया आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आइए इसे बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता और एक बाउल उबले हुए सोयाबीन लिए हैं, चार लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और दो हरी मिर्च, चार मीडियम साइज के बॉयल आलू ले लिए हैं। सोया आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बर्तन में एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा ले लेंगे। आटे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना आटा गीला हो जाएगा और पराठा बेलने में दिक्कत आएगी। इस तरह से नरम आटे गूंथ कर तैयार कर लेंगे और इसे करीब 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। देखिए, अब लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से चलाते हुए अदरक लहसुन के साथ इसे भी थोड़ा देर फ्राई करेंगे। प्याज का कलर अब थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब प्याज अच्छे से भुन गया है। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मसाले को हल्का सा प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें सोयाबीन के बरी को डाल देंगे। सोयाबीन को मैंने पहले से ही उबाल कर इसे मिक्सी के पॉट में डालकर दरदरा पीस लिया था। इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ चलाते हुए भूनेंगे। 2 मिनट तक इसे इसी तरह से भून लेंगे। देखिए, सोयाबीन अब फ्राई हो गया है। इसमें उबले हुए आलू को तोड़ कर डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। इस पराठे में मैंने सोयाबीन के साथ आलू को भी मिक्स किया है, इससे यह पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप आलू नहीं पसंद करते हैं तो बिना आलू का भी इसे बना सकते हैं। अब ये लगभग अच्छे से भुन गया है, इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट इसे और चलाते हुए भुनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे में भरने के लिए ये मसाला तैयार है, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब पराठे को बना लेते हैं। अपने हथेली में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर छोटा सा आटे की गोली को तोड़ लेंगे। आटे की लोई को सूखे आटे में लपेटकर इस तरह से कटोरी के आकार का बना लेंगे। अब चम्मच से जो हमने भरने की सामग्री बना कर रखी है उसे इस तरह से कटोरी में भर देंगे और इस तरह से उंगलियों की मदद से घुमाते हुए इसमें भर लेंगे। इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा सोयाबीन आलू के मिश्रण को नहीं भरेंगे। अब इसे भरे हुए लोई को सूखे आटे में लपेटकर इसे इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से सारे लोई को बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सारी लोई को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे सेक लेते हैं। पैन थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें बेले हुए पराठे को डाल देते हैं। थोड़ी देर इसे ऐसे ही सिकने देंगे। अब इस पराठे को पलट देंगे, इसे थोड़ा और सेक लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर इसे अच्छे से सेकेंगे। लीजिए, सोया आलू पराठा बनकर तैयार है। इसे आप रायता, सॉस, तीखी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।